हेलो दोस्तों, नई वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो एक अचीवमेंट वीडियो होने वाली है। जो न्यू अचीवमेंट आई है डेजर्ट टूरिस्ट, इसमें 6 मिशन है जो हमें पूरे करने हैं, जिसमें हमें ओवेस में एक ड्रिंक पीनी है, एक मॉली करनी है रिवेंस में, हमें मिराडो से एक बंदा मारना है, 3 लैप्स ऑफ द रैंप करने हैं, एक हेडशॉट फ्रॉम V94 एंड 8 बार हमें वेंडिंग मशीन यूज़ करना है। तो अब चलिए हम अचीवमेंट को शुरू करते हैं। तो मैंने पहला मार्क कर दिया रिव्यूंस में, रिव्यूंस में हमें एक मॉली करनी है और रिव्यून के रास्ते में ही हमें रैंप मिल जाएंगे, जिसमें हम लीप्स ऑफ रैंप वाली अचीवमेंट पॉइंट जो है उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से लगभग लीप्स ऑफ रैंप वाला स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको दिखा दूँगा कि आपको कौन से 3 रैंप चढ़ने हैं गाड़ी के थ्रू और वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं रिव्यूंस की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में वो भी जैसे ही मुझे मिलेगा मैं वो भी कंप्लीट कर लूँगा अचीवमेंट। पहले मुझे लगा था मिराडो, इसलिए मैंने मिराडो उठाई, यहाँ से ट्राई किया एक बंदा किल, लेकिन वो मिस कर दिया था। मैंने गोल्डन मिराडो से मारना है, जो मैं बाद में मार दूँगा। तो अब यहाँ पे ये है, ये जो रैंप हैं ये 3 आपको पूरे करने हैं, 1, 2 एंड आगे एक और आएगा। तो आप ये भी कर सकते हो कि एक को ही 3 बार यूज़ कर लो, बट यहाँ पे 3 हैं तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था मैं अचीवमेंट पूरा करने के लिए, इसमें इसलिए मैं आगे और गया कि मुझे एक और मिल जाए। तो आगे जाके मुझे एक रैंप और मिल जाता है, एक रैंप। तो यहाँ पे ये रैंप बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसके चढ़ गया और ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं रियूंस की तरफ जाऊंगा। तब मैं रियूंस में आ गया था, मैंने रियूंस काफ़ी लूटा बट मुझे कोई मॉली नहीं मिली। एंड में मैं यहाँ पे आया और लकली मुझे एक मॉली मिल गई, और यहाँ पे मुझे V94 भी मिल चुकी थी। तो मैं V94 भी जैसे ही बंदा मिलता है उसे मार के V94 वाला पॉइंट भी, जो मुझे एक हेडशॉट मारना है, कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे मॉली वाला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे मुझे एक फुट स्ट्रैप आने लगे थे, तो मुझे इजीली V94 वाला भी पॉइंट मिल गया। तब यहाँ पे एक बंदा है, ये आया, शायद ये बॉट है, और मैंने आराम से, ये बॉट ही था, इसका हेडशॉट लिया और इसे मार दिया। तो यहाँ पे V94 यानी मेरे 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। और जो वेंडिंग मशीन है जिसमें हमें 8 एनर्जी ड्रिंक या फिर हम कह सकते हैं कि हमें एनर्जी ड्रिंक या पेन किलर, इनमें से कुछ भी मिल सकता है या कॉम्बो पैक भी मिल सकता है, तो वो कई बड़ी बिल्डिंगों में है। तो यहाँ पे मैं पिकाडो में आ गया, पिकाडो में यहाँ पे इकट्ठी 3-4 मशीन है, इसलिए इजीली ये 8 बार यूज़ करना था। अगर कॉम्बो निकल आता है तो आपका एक ही बार में पूरी 8 एनर्जी ड्रिंक का हो जाएगा, बट अगर एक एक करके आता है तो यहाँ पे आपको 8 बार इसे यूज़ करना पड़ेगा 8 एनर्जी ड्रिंक के लिए। तो ये बॉक्सिंग ग्राउंड या जो भी ये ग्राउंड है, ये पिकाडो में है। पिकाडो में एक्चुअली मैं रियूंस में उतरा था, तो अब कोई बंदा भी नहीं था, इसलिए मुझे ईजीली कोई परेशानी भी नहीं हुई इससे पूरा करने में। जो भी मैप में काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उन लोकेशन पे लगभग मोस्टली आपको वेंडिंग मशीन मिल ही जाएगी, जिसके थ्रू आपको 8 बार एनर्जी ड्रिंक लेना है और ये अचीवमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। तो मुझे एक मशीन तो मिल गई थी, फिर मैं दूसरी ढूंढने लगा और यहाँ पे मुझे एक और मशीन मिल गई, यहाँ एक और। तो मुझे 3-4 मशीन यहाँ पर इकट्ठी मिल गई थी, तो ईज़िली ये कम्प्लीट हो गया मेरा पॉइंट। और अगर आप लक्की हुए तो आपको एक ही बार में कॉम्बो मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपको 8 या 5 एनर्जी ड्रिंक एक ही बार में मिल जाएंगे और ये अचीवमेंट आपकी एक ही बार में पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्कल बन चुका था, इसलिए मुझे आगे भी जाना था, और यहाँ पे लगभग मेरी ये अचीवमेंट जो 8 बार वेंडिंग मशीन को यूज़ करने की थी वो कम्प्लीट हो गई है। तो यहाँ पे मुझे बंदों के फुट स्टेप तो आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था शायद वो ऊपर आए, बट वो भी अलग ही बंदे निकले। लास्ट में ये लोग अपनी गाड़ी छोड़ के मेरी बाइक लेके भाग जाएंगे, जिस बाइक से मैं यहाँ पे आया था।
तो मेरे लगभग 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, मॉली वाला, एक विन 94 से हेडशॉट, 3 लैप्स और वेंडिंग मशीन वाले मेरे 4 कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं जो गोल्डन मेराडो है उसकी लोकेशन मैंने मार्क कर दी है, यहाँ पे आपको गोल्डन मेराडो मिल जाएगी। यहाँ पे मैं उतरा, उतरते ही यहाँ पे गोल्डन मेराडो लेके मैं बाहर गया। यहाँ पे काफ़ी भशड़ मची हुई है गोल्डन मेराडो लेने के लिए सभी कुत्ते, क्योंकि मिशन है तो हर कोई अपना मिशन पूरा करना चाहता है। तो मुझे लूटने के पीछे तो रहा नहीं और यहाँ पे मैंने जल्दी से गाड़ी उठाई, चोरी की और भाग गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो मुझे एक बंदा मारना है गोल्डन मेराडो से। तो यहाँ पे मुझे बॉट मिल गया जिसे मैंने इजीली गाड़ी से किल कर दिया और मेरा ये 5वां पॉइंट भी लगभग पूरा हो गया है। एक बार मैं इस पे चढ़ा दूँ और यहाँ पे ये मेरा 5वां पॉइंट भी पूरा हो गया। तब हमारा एक ही पॉइंट रह गया ओएस वाला। म्यांमार की मैप में ओएस नई लोकेशन आई है, ये इसका नाम कहीं पे भी नहीं है, बेनाम लोकेशन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ओएस की लोकेशन है, मैंने मार्क करके दिखाई आपको। आप बैक करके एक बार और देख सकते हैं लोकेशन कि ओएस कहाँ है। एक्चुअली अगर आप मैप खोल के देखोगे तो आपको ये लोकेशन नहीं मिलेगी, लेकिन लास्ट में जो पानी सा है यहाँ पे, ये बेनाम एक लोकेशन है जो मैप में दिखती है, यही ओएस है। यहाँ पे मैंने काफ़ी मकसद की एनर्जी ढूंढने की, बट मुझे काफ़ी देर बाद, मतलब बहुत टाइम मिला यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक ढूंढने के लिए। मैं कूद तो गया बट मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं मिला। और यहाँ पे फाइनली एक बॉट को मार के मुझे एनर्जी ड्रिंक मिला था उसे, तब मैं यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पीकर अपनी ये जो लास्ट पॉइंट है इसे भी कंप्लीट कर लूँगा। इस मैच को मैंने आगे भी खेला था लेकिन मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा, और ये वाली अभी अचीवमेंट मैं पूरी करूँगा। तो यहाँ पे मुझे आप उतर के एक एनर्जी ड्रिंक पीना है, जिसे आप पी के इसे पूरा कर सकते हो। हो सकता है यहाँ पे बंदे भी उतरें, तो केयरफुली, आपको मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक एनर्जी ड्रिंक फाइंड करनी है और पीनी है, उसके बाद चाहे आप मर जाओ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरे सर्वर को यूज़ करके इसे पूरी कर सकते हैं। तो लोकेशन मैंने आपको एक बार और दिखाई, ये लोकेशन मैं आपको एक बार और दिखा दूँगा। तो यहाँ पे आके आपको एक एनर्जी ड्रिंक पीना है, तो आप एक बार और देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो मैंने मार्क कर रखा है ये लोकेशन है, यहाँ पे आपको उतरना है, एनर्जी ड्रिंक पीना है और आपकी अचीवमेंट पूरी करनी है। तो यहाँ पे मेरी अचीवमेंट पूरी हो चुकी है लगभग। मैच ख़त्म होकर मैं आपको दिखाऊंगा कि अचीवमेंट पूरी हुई है या नहीं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तब आप लोकेशन बैक करके भी देख सकते हो, अगर नोटिस नहीं होता तो ये लोकेशन है। इसके बाद मैं आपको एंड का दिखा देता हूँ कि अचीवमेंट मेरी पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो अब मैं आपको गेम का एंड में लेके चलता हूँ। ये देखिए, मेरे को मैसेज आ चुका है, मेरी डिज़र्ट टूरिस्ट की जो अचीवमेंट है वो पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप भी इस अचीवमेंट को पूरी कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस अचीवमेंट को पूरी करवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू। Peace.